हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ जर्मनी में शारीरिक शिक्षा के इतिहास के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने यूनान के इतिहास और रोम के इतिहास के बारे में डिटेल में बता चुकी हूँ। इसके पहले वाले वीडियो आप देख लीजिएगा। तो आज मैं बात कर रही हूँ जर्मनी में शारीरिक शिक्षा के इतिहास के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं जर्मनी के इतिहास के बारे में फुल डिटेल में बात करूंगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं जर्मनी के शारीरिक शिक्षा के इतिहास के बारे में। दोस्तों, जर्मनी यूरोप के ठीक मध्य में स्थित है, इसलिए जर्मनी के इतिहास का काफ़ी प्रभाव रहा है। जर्मनी के इतिहास को विशेषज्ञों ने चार भागों में डिवाइड किया है। पहला है 18वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य का काल, दूसरा है 19वीं शताब्दी के मध्य से नाजी काल तक, तीसरा है नाजी काल में शारीरिक शिक्षा, चौथा है दूसरे महायुद्ध के पश्चात का समय। तो दोस्तों, जानते हैं इन सब के बारे में डिटेल में। तो पहला है 18वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य का काल। इस काल में चार विद्वानों की बात कही गई है। चार विद्वानों ने शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए हैं इसे आगे बढ़ाने के लिए। तो जानते हैं कौन कौन है वे। पहला है जान बर्नाडे बेसडो, जिनका काल है 1723 से 1790 ईस्वी, और दूसरा है जान क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गटमट, जिनका काल है 1759 से 1839 ईस्वी, तीसरा है फ्रेडरिक लुडविक जान, जिनका काल है 1798 से 1852 ईस्वी, चौथा है एडोल्फ स्पीच, इनका काल है 1810 से 1858 ईस्वी। तो चलिए इन सब के बारे में डिटेल से जानते हैं। जान बर्नाडे बेसडो, इनका जीवन काल 1723 से 1790 ईस्वी। इन्हें जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है। इन्होंने शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जर्मनी में शारीरिक शिक्षा के पितामह किन्हें कहा जाता है। तो जान बर्नाडे बेसडो, इन्होंने जान बर्नाडे बेसडो ने 1774 में डेसु नाम का एक स्थान था, तो डेसु नाम के स्थान पर उन्होंने एक पाठशाला खोली। कैसा पाठशाला खोली? एक प्रकृतिवादी पाठशाला खोली। उस प्रकृतिवादी पाठशाला को फिलेंथ्रोपियम नाम दिया, यानी उस प्रकृतिवादी पाठशाला को क्या बोला जाता है? फिलेंथ्रोपियम। और इस फिलेंथ्रोपियम की नींव रूसों की विचारधारा पर रखी गई। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि फिलेंथ्रोपियम की नींव किसकी विचारधारा पर रखी गई? तो रूसों की विचारधारा पर। एक यहाँ पे ये भी प्रश्न बनता है कि 1774 में डेसु नामक स्थान पर प्रकृतिवादी पाठशाला का क्या नाम था? फिलेंथ्रोपियम नाम था, ठीक। और जान साइमन जो थे वो फिलेंथ्रोपियम के प्रथम शारीरिक शिक्षक थे। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनता है कि फिलेंथ्रोपियम के प्रथम शारीरिक शिक्षक कौन थे? तो जान साइमन। अब 1785 ईस्वी में क्रिश्चियन गोथी साल्जमैन ने एक विद्यालय खोली जिसका नाम था सनेपन थाल शिक्षा विद्यालय। और ए यानी क्रिश्चियन गोथिप साल्जमैन इनके यानी जान बर्नाडे बेसडो की विद्यालय फिलेंथ्रोपियम में शारीरिक शिक्षक भी रह चुके थे, तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि साल्जमैन ने किस विद्यालय की स्थापना की? सनेपन थाल शिक्षा विद्यालय की स्थापना। और यहाँ क्रिश्चियन कार्ल आंद्रे जो साल्जमैन के विद्यालय में शारीरिक शिक्षक थे। तो ये सभी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। अब बात करते हैं जान क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गटमट की, जिनका काल 1759 से 1839 ईस्वी था।
जान क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गटमट को जर्मन जिम्नास्टिक के पितामह इन्हें कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे दो क्वेश्चन में हमेशा कंफ्यूजन होता है, पूछता है शारीरिक शिक्षा के पितामह जर्मनी में और जर्मनी में जिम्नास्टिक के पितामह, तो लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। शारीरिक शिक्षा के पितामह जर्मनी में बोलो तो जान बर्नार्डे वेसडो बोले, और जर्मनी में जिम्नास्टिक के पितामह बोले तो जान क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गटमट, इतना जरूर ध्यान रखिए। तो 1786 में साल्जमेन के विद्यालय में गटमट जो थे क्रिश्चियन कार्ल आंद्रे के स्थान पर शारीरिक शिक्षक के प्रशिक्षक के रूप में भी कार्यभार वो संभाले थे साल्जमेन के विद्यालय में। जो साल्जमेन ने कौन सा विद्यालय खोला था, सनीपन थाल, ठीक ना। तो ये गटमट दो पुस्तकों की रचना किए थे, उसमें है दो पुस्तक है जिम्नास्टिक फॉर द यंग और खेल। जिम्नास्टिक फॉर द यंग के दो भाग हैं, पहले भाग में उन्होंने व्यायाम के प्रभाव तथा उद्देश्य बताए हैं और दूसरे भाग में धावन, फेंकने, रस्से पर चढ़ना, नृत्य, कुश्ती, चलना, तैराकी तथा सैनिक व्यायाम के बारे में विस्तृत वर्णन किए हैं। और खेल नामक पुस्तक में 105 मनोरंजन खेलों का उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। तो दोस्तों ये दोनों पुस्तक इनकी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं और हमेशा ये पूछा जाता है और इसको ज़रूर याद कर लीजिए। तो इनका शारीरिक शिक्षक के बढ़ावा देने में और जिम्नास्टिक को बढ़ावा देने में जर्मनी में बहुत बड़ा योगदान था और इन्हें सीढ़ियों पर चढ़ना, तैराकी, कुश्ती, संतुलन की कुछ प्रक्रियाओं का आविष्कार किए और उन्होंने अपने कार्यक्रम में लंबी दूरी तक पैदल चलना शारीरिक प्रशिक्षण का एक अच्छा साधन बताया, तो इसको भी याद कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं अगला है फ्रेडरिक लुडविक जान। फ्रेडरिक लुडविक जान 1798 से 1852 ईस्वी तक का काल है। दोस्तों फ्रेडरिक लुडविक जान ये राष्ट्रीय एकता के रूप में शारीरिक शिक्षा को प्रतिष्ठित करने वाले पहले व्यक्ति थे, यानी शारीरिक शिक्षा को जर्मन जाति में राष्ट्रीय एकता के साधन के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। यहाँ पे ये प्रश्न बनता है कि जर्मनी में शारीरिक शिक्षा को एक राष्ट्रीय एकता के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले कौन थे, तो फ्रेडरिक लुडविक जान। इनकी शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियाँ असीम हैं, तो देखते हैं क्या क्या ये उपलब्धियाँ किए हैं आगे बढ़ाने के लिए। तो ये 1810 ईस्वी में बर्लिन के प्लेमान की पाठशाला तथा ग्रीव क्लोस्टर में अध्यापन का कार्य करते थे। ये कहाँ अध्यापन का कार्य करते थे, बर्लिन के प्लेमान की पाठशाला तथा ग्रीव क्लोस्टर, कब, 1810 ईस्वी में। और 1811 ईस्वी में एक आयताकार क्षेत्र को घेरे में लेकर उनके अनुसार आयताकार क्षेत्र को एक घेरे में लेकर व्यायाम क्षेत्र बनाया और उस व्यायाम क्षेत्र को टर्न प्लाज का नाम दिया। उस व्यायाम क्षेत्र को क्या नाम दिया, टर्न प्लाज, और टर्न प्लाज को व्यायामशाला कहते हैं, यानी टर्न प्लाज का अर्थ होता है व्यायामशाला। क्वेश्चन यहाँ पे दो पूछ सकता है, इस लाइन में बनता है कि फ्रेडरिक लुडविक जान ने आयताकार क्षेत्र को घेरे में लेकर व्यायाम क्षेत्र बनाया उसका क्या नाम था, तो होगा टर्न प्लाज, 1811 ईस्वी में, ठीक। और टर्न प्लाज को व्यायामशाला कहते हैं, ठीक ना, इसको याद ध्यान में रखिएगा। और 1814 ईस्वी में, नहीं 1812 ईस्वी में संपूर्ण जर्मनी में
इनके व्यायामों को स्वीकृत किया गया। 11 में तो वो पाठशा व्यायाम क्षेत्र बनाए जिसका नाम टर्न प्लाज था। ठीक, अब इस चीज़ को जो बनाए वो टर्न प्लाज आयताकार मैदान को लेकर, उस चीज़ को 1812 में संपूर्ण जर्मनी में स्वीकार कर लिया गया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि बड़े बड़े शहरों और नगरों में युवा व्यायाम दलों का गठन किया जाने लगा। ठीक, और इस तरह से ये सारी शिक्षा और व्यायाम प्रक्रिया जो जिम्नास्टिक वगैरह था आगे बढ़ने लगा। फिर 1814 ईस्वी में लीपजिंग युद्ध की प्रथम वर्षगांठ का उत्सव था। 1814 ईस्वी में क्या था, लीपजिंग युद्ध जो था उसका प्रथम वर्षगांठ का उत्सव था उस दिन, और जिसमें टर्न प्लाज की ओर से एक व्यायाम प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। मतलब जो 1814 में लीपजिंग युद्ध की प्रथम वर्षगांठ का उत्सव था उसमें टर्न प्लाज की ओर से व्यायाम प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। फिर 1816 ईस्वी में फ्रेडरिक लुडविग जान ने जर्मन जिम्नास्टिक नामक पुस्तक लिखी। ये जर्मन जिम्नास्टिक नामक पुस्तक वेरी इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर लिख लीजिए या याद कर लीजिए। ठीक, दो तीन पुस्तक है इस जर्मन काल में, तीन चार ठो, जो अक्सर हमेशा पूछा जाता है। तो इनका पुस्तक का क्या नाम था, जर्मन जिम्नास्टिक। अब कब लिखे थे, 1816 में। ठीक, तो 1816 में ये जर्मन जिम्नास्टिक नामक पुस्तक लिखे। इसी वर्ष टर्न प्लाज में व्यायाम करने वालों की संख्या 1000 हो गई। ठीक, जिस समय वो जर्मन जिम्नास्टिक नामक पुस्तक लिखे 1816 में, तो उस समय इनके टर्न प्लाज में जो आता का मैदान था, टर्न प्लाज यानी व्यायामशाला में व्यायाम करने वालों की संख्या कितनी हो गई थी, 1000। तो उसको क्या नाम दिया गया, 1000 जो संख्या हो गई थी, तो उसको फ्रेडरिक लुडविग जान ने टर्नर का नाम दिया। किसका नाम दिया, टर्नर का। ठीक, और 1819 में लुडविग जान पर घातक षड्यंत्र का आरोप लगाया और उन्हें कारावास में डाल दिया गया। इतना सब कुछ करने के बाद इन पर आरोप लगाया गया 1819 में, और जेल भी डाल दिया गया, कारावास भी डाल दिया गया। और इनका जो टर्न प्लाज यानी व्यायामशाला जो खोले थे उसको भी बंद करवा दिया गया। यानी इतना जो मेहनत था लोगों ने उसका बेकार कर दिया। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। फिर 1825 ईस्वी में जान को जेल से छुटकारा मिला। 1819 में इनको जेल भेज दिया गया, इनके द्वारा बनाए गए टर्न प्लाज को भी बंद कर दिया गया। फिर 1825 में इनको जेल से छोड़ दिया गया, और छोड़ने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि उनको अच्छे से रहा गया, नहीं, उनको बर्लिन में रहना निषेध कर दिया गया कि वो बर्लिन में नहीं रह सकती। फिर 1852 ईस्वी में ऐसा डर आया कि उनके बनाए गए नियमों को प्रतिबंध को हटा दिया गया, यानी टर्नवेरियन क्रांति से जो प्रतिबंध था उसको हटा दिया गया। पर जब हटाया गया तब लुडविग जान की मृत्यु हो चुकी थी। फिर 1860 में जिम्नास्टिक के प्रति लोगों का दोबारा जागरूकता बढ़ी और ज़्यादा जिम्नास्टिक के प्रति लोग जागरूक हुए। और 1866 ईस्वी में अखिल जर्मन जिम्नास्टिक सोसाइटी संघ की स्थापना हुई। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसमें दो तीन क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ये पुस्तक लिखे हैं 1816 में, जर्मन जिम्नास्टिक पुस्तक, ये तो एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक इसमें इम्पॉर्टेंट है कि 1866 में अखिल जर्मन जिम्नास्टिक सोसाइटी संघ की स्थापना हुई, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट है कि शारीरिक शिक्षा को जर्मन जाति में राष्ट्रीय एकता के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो फ्रेडरिक लुडविग जान। ठीक, और इनका जो आयताकार मैदान जो व्यायाम के लिए बनाए थे उसका क्या नाम था, तो टर्न प्लाज। तो ये तीन चार क्वेश्चन है जो इसमें आपको याद करना बहुत ज़रूरी है एग्जाम की नज़र से।
तो ज़रूर याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्या है। एडोल्फ स्पीच। एडोल्फ स्पीच 1810 से 1858 ईस्वी। इनका मुख्य उद्देश्य था शारीरिक व्यायाम को सामान्य शिक्षा के एक महत्वपूर्ण अंग बनाना, ठीक, और ऐसी प्रणाली बनाना जो पाठशाला में आसानी से उपयोग हो सके। इनका यही मुख्य उद्देश्य था। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि शारीरिक शिक्षा यानी शारीरिक व्यायाम को सामान्य शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग बनाने वाले कौन है जर्मनी में, तो एडोल्फ स्पीच, ठीक, स्पीच। और 1833 से 1848 ईस्वी तक में जिम्नास्टिक प्रणाली नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने 1833 से 48 तक में जिम्नास्टिक प्रणाली नामक पुस्तक लिखी। और ये इम्पोर्टेंट है कि जिम्नास्टिक प्रणाली नामक पुस्तक किसने लिखी, तो एडोल्फ स्पीच ने लिखी। इससे पहले हम दो तीन पुस्तकों का बात कर चुके हैं, जैसे जैन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गटमट ने क्या लिखा था, जिम्नास्टिक फॉर द यंग और खेल। लुडविग जान ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, जर्मन जिम्नास्टिक। और एडोल्फ स्पीच ने क्या लिखा है, जिम्नास्टिक प्रणाली, ठीक। तो इन पुस्तकों को याद कर लीजिए। और ये 1842 ईस्वी में जिम्नास्टिक व्यायाम का शिक्षा के एक अंग के रूप में मान्यता दे दी गई। 1842 ईस्वी में क्या किया गया, जिम्नास्टिक व्यायाम को शिक्षा के एक अंग के रूप में मान्यता दी गई, ठीक। अब प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 19 के बीच, 1914 से 1919 तक, ठीक। तो प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत नाजी पार्टी ने शासन की बागडोर संभाली। कौन संभाली, नाजी पार्टी ने, और जिसने अपने आदर्शों के आधार पर शिक्षा तथा शारीरिक शिक्षा को नया आकार दिया, ठीक। और 1931 ईस्वी में एडोल्फ हिटनर ने, मतलब इनके समय में 1931 ईस्वी में एडोल्फ हिटनर ने विंटरसेमर तथा ओस्टेम को खेलों का कमिश्नर बनाया, ठीक। और 1933 में क्राफ्ट डंच फ्रीड खोला गया। क्या खोला गया, क्राफ्ट डंच फ्रीड एक संस्था खोला गया, किस लिए, जिसे खाली समय के लिए सदुपयोग के लिए खोला गया था। तो यहाँ क्वेश्चन ये बन सकता है कि जर्मन काल में क्राफ्ट डंच फ्रीड का संस्था किस लिए खोला गया था, तो समय, खाली समय के सदुपयोग के लिए खोला गया था, ठीक। 1938 ईस्वी में इस संस्था का कार्यभार जर्मन फ्रंट के अधीन आ गया, ठीक। 33 में इस क्राफ्ट डंच फ्रीड खोला गया, लेकिन 38 में इस संस्था का कार्यभार जर्मन लेबर फ्रंट के अधीन आ गया। और एक है लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट कि पांच इवेंटों में प्रवीणता यहाँ पे मिलता था, जो पांच इवेंटों में प्रवीणता प्राप्त कर लेता था उसको रीच स्पोर्ट मेडल दिया जाता था। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। 19वीं शताब्दी के मध्य से नाजी काल तक, चलिए इसमें जानते हैं इसमें क्या क्या हुआ था। तो 1951 में बर्लिन में रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक की स्थापना हुई। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक की स्थापना कब हुई, तो 1951 ईस्वी में बर्लिन में, ठीक। और इस संस्था के प्रथम डायरेक्टर कौन थे, रोथ स्टेन। तो ये पूछा जाए कि रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक के प्रथम डायरेक्टर कौन थे, रोथ स्टेन। और इस संस्था यानी रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक में सैनिकों व शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों को एक साथ प्रशिक्षण दिया जाता था। क्या किया जाता था, सैनिक और शारीरिक शिक्षा के शिक्षक दोनों को एक साथ प्रशिक्षण दिया जाता था, किसमें, रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक में, ठीक। और सन 1860 में जिम्नास्टिक को प्राथमिक और हाई स्कूलों में लागू किया गया। 1860 में क्या हुआ वहाँ जर्मनी में, कि जो जिम्नास्टिक था उसको प्राथमिक और हाई स्कूल दोनों में
लागू कर दिया गया। फिर सन 1862 में बच्चों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया। ठीक, 1862 में क्या हुआ, बच्चों के लिए इसको क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। तो अब जानते हैं कि दूसरे महायुद्ध के पश्चात का समय, जब दूसरा महायुद्ध हुआ उसके पश्चात क्या हुआ। उसके पश्चात पूर्वी जर्मनी, मतलब इसको जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया। दूसरे महायुद्ध के पश्चात जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया, तो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी जो अपने आदर्शों पर चलने वाला था, किसके आदर्शों पर, वो अपने आदर्शों पर चलने वाला था। पूर्वी जर्मनी में शारीरिक शिक्षा का प्रबंध उत्तम था और यह एक आवश्यक विषय भी था। तो पूर्वी जर्मनी में सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसको शारीरिक शिक्षा का प्रबंध जो है वो उत्तम था, इसको एक आवश्यक विषय भी समझा जाता था। और यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति सप्ताह में एक बार व्यायाम करना पड़ता था, मतलब करता था, ठीक ना। यहाँ पे क्या होता था, प्रत्येक व्यक्ति को सप्ताह में एक बार व्यायाम करना पड़ता था पूर्वी जर्मनी में दूसरे महायुद्ध के पश्चात। ठीक, और सन 1947 ईस्वी में कार्ल डीम के द्वारा एकेडमी ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की गई। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एकेडमी ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किसने की, तो 1947 ईस्वी में कार्ल डीम ने। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिए, जिसकी स्थापना कोलोन नामक स्थान पर की गई। इसकी स्थापना किस स्थान पर की गई, किसका, एकेडमी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसकी स्थापना कार्ल डीम ने किया था, तो ये कोलोन नामक स्थान पर की गई। अब पश्चिमी जर्मनी अमेरिका और यूरोपीय देशों के आदर्शों पर चलने वाला था। ठीक, तो दोस्तों ये था हमारा आज जर्मनी का फिजिकल एजुकेशन इतिहास। तो जर्मनी में फिजिकल एजुकेशन में जितने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं इसमें सभी कवर हो चुका है। अगले वीडियो में हम लाएंगे स्वीडन के, यानी स्वीडन में शारीरिक शिक्षा के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हाँ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए, जिससे मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।